नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल। हिंदी मेडिसिन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर व्यक्ति को मेडिसिन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त मेडिसिन का आवश्यक पड़ सकता है, तो मेडिसिन का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये चैनल में हर दिन मेडिसिन का जानकारी आपको मिलते रहेगा। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है पुरुष जीवन कैप्सूल के बारे में। ये पुरुष जीवन कैप्सूल क्या है, इसका बेनिफिट के बारे में, इसका डोज का बारे में, इसका इस्तेमाल के बारे में, इसका साइड इफेक्ट के बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये पुरुष जीवन कैप्सूल एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है। ये एक बॉक्स में आता है। इसका एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी है 122 रुपया, और ये 10 कैप्सूल में भी आपको मिल जाएगा। इसका 10 कैप्सूल का पड़ेगा 37 रुपीज़। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ये कैप्सूल को ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल स्टोर में नहीं मिला तो आप ऑनलाइन से भी इसको ले सकते हैं। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। ये कैप्सूल को देव फार्मा कंपनी बनाती है। देव फार्मा कंपनी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये कंपनी बहुत सारा मेडिसिन बनाती है। दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आजकल अगर किसी का वजन ना बढ़े तो उससे पुरुष जीवन कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है, और कहा जाता है कि ये कैप्सूल महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में आपका वजन बढ़ाता है। लेकिन आपको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम पुरुष जीवन कैप्सूल के फ़ायदे और नुकसान दोनों जानेंगे। दोस्तों, पुरुष जीवन कैप्सूल एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि मुख्य तौर पर वजन बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ज़्यादातर जो लोग जिम जाते हैं या जिनका भार नहीं बढ़ा है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए या लंबे समय तक किया जाए तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान झेलने पड़ जाए। आज हम जानेंगे कि पुरुष जीवन कैप्सूल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं और इसका क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, पुरुष जीवन कैप्सूल में पाया जाता है शतवरी, अश्वगंधा, अर्जुन, केवज, हरितकी, मुलेठी, सफ़ेद मूसली, जायफल, पिपली, जीरा, झाबुक, केसर, अमला, लौंग, शिलाजीत, चित्रक, कुठज, मकोई इत्यादि पाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पुरुष जीवन कैप्सूल को वजन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये पुरुष जीवन कैप्सूल आप लेने शुरू करते हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। अगर आपको भूख नहीं लगता तो आपका भूख बढ़ाता है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये उसे भी सही करता है, जैसे कि आपको भूख लगे और आप ज़्यादा खाना खा सकें। ये कैप्सूल कमजोरी को भी दूर करता है। पुरुष जीवन कैप्सूल में कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई है जो कि कमजोरी को भी दूर करता है। ये कैप्सूल महिला पुरुष दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों की कमजोरियाँ दूर करता है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, शारीरिक थकावट महसूस करते हैं तो ये ऐसी कमजोरियों को भी दूर करता है। आपको हष्टपुष्टा बनाता है, और जो लोग त्वचा में रूखापन जलन अनुभव करते हैं और जो लोग त्वचा में रूखापन या जलन का अनुभव करते हैं, आंखों के आसपास काले घेरे रहते हैं, ये उन काले घेरे को भी ठीक रखता है और चेहरे को भी निखार लाता है। इसके अलावा विटामिन की कमी को भी पूरा करता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे इसका साइड इफेक्ट के बारे में। कंपनी का कहना है कि पुरुष जीवन कैप्सूल 100% आयुर्वेदिक चीज़ों से बनाया गया है, इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखा गया है। जो लोग लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हेपेटाइटिस, पाचन, पेट दर्द, पेट फूलना, भूख ना लगना, मुहासे, कब्ज, तो ये सभी होता है अगर साइड इफेक्ट होता है तो। तो दोस्तों, अब जानते हैं ये पुरुष जीवन कैप्सूल को कैसा लेना चाहिए। ये पुरुष जीवन कैप्सूल का सेवन करना बहुत ही आसान है। इसका एक कैप्सूल आपको सुबह खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या दूध का साथ लेना है, और रात को भी खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या दूध का साथ लेना है। दोस्तों, इसका लगभग 1 से 2 महीने तक कोर्स करने से आपको बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।